आज राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र नायक, राष्ट्र के पुरोधा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और राष्ट्र माता जीजाबाई की जयंती है और इसी उपलक्ष्य में यह सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम रखा, जिससे कि हमारे युवाओं का यौवन सृजनात्मक कार्यों में लगे, भोग के प्रति नहीं योग के प्रति उनके मन में आकर्षण पैदा हो और वो शरीर से बलशाली बने, बुद्धि से प्रज्ञावान बने, जीवन में चरित्रवान बन करके अपना और अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं और स्वामी विवेकानंद के सपनों का, जीजाबाई के सपनों का, छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का, अपने ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं के सपनों का भारत बनाने के लिए स्वयं को तैयार करें, क्योंकि स्वयं के निर्माण से, चरित्र निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है। इस संकल्प के साथ आज हजारों हजारों युवक युवतियों ने, विद्यार्थियों ने ये योग का अभ्यास किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया और एक बड़ी पहल यहाँ के पुणे के शहर के व्यापारियों ने की कि हम जिस धरती से वीर सावरकर जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, हम आज इस देश को आर्थिक दारिद्र्य से बचाने के लिए देश का धन, देश की दौलत देश में रहे और देश की सेवा में लगे, इसलिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। पुणे शहर व्यापारी संघ का ये संकल्प आज के इस दिन को और ऐतिहासिक बनाता है। मोदी जी व्यक्तिगत जीवन में स्वदेशी का पालन करते हैं, वो स्वदेशी वेशभूषा को, स्वदेशी भाषा को, स्वदेश की संस्कृति को, योग को बहुत गौरव देते हैं। इसलिए यदि आज के दिन हमारी सरकार देश के लोगों से जो आश्वासन दिया था कि हम काला धन लाएंगे और इस देश की गरीबी मिटाएंगे, मोदी जी ने भी कहा है कि हम पाई पाई काला धन देश को दिलाएंगे, तो आज इसके ऊपर कुछ बड़ी पहल करें, कुछ इस तरह के प्रोसीजर्स अडॉप्ट करें जिससे कि ब्लैक मनी के ऊपर रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो, क्योंकि काम तो हुआ है लेकिन उसका परिणाम बड़ा नहीं आया। मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी काले धन को लेके बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने चुनाव में बनाया था और इस देश की जनता से वादा किया था कि सरकार में आएंगे तो 100 दिन के अंदर काला धन वापस लेके आएंगे और प्रत्येक नागरिक को 15 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे। अब करीब 18-19 महीने हो गए सरकार को, सरकार पूरी तरह से मौन है, काला धन को लेके चुप है, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और होते हैं। अब मोदी जी काला धन का नाम लेना ही भूल जाते हैं। बाबा रामदेव तो सरकार का ही एक हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी का ही एक हिस्सा है, पर जहां तक काला धन का सवाल है, काला धन को लेके सत्ता में जो आए लोग हैं अब काला धन को लेके पूरी तरह से मौन है। वी आर अवेयर दैट देयर इज डेस्परेशन फॉर क्विक रिजल्ट, बट यू सी रिजल्ट्स विल कम, वी आर टेकिंग स्टेप वन आफ्टर द अदर एंड यू विल सी दैट पीपल आर एक्चुअली स्केयर्ड ऑफ ब्लैक मनी नाउ and we understand our commitment also on the issue and the government is working towards that and you will see some more steps coming